अब खबर हरिद्वार से है, जहां जल्द ही कांवड़ मेला 2024 शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसी कड़ी में ARTO रश्मि पंत ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान बिना परमिट वाले वाहनों को कांवड़ यात्रा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें सीमा पर ही रोका जाएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने सभी राज्यों से सहयोग की अपील की है। लगातार प्रारंभिक जांच भी की जा रही है। और लोगों को जो काम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसका?